हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन में आप लोग बैक बटन को कैसे लगा सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको बैक बटन को लगाना है, अगर आपके फ़ोन में बैक करने के लिए कोई बटन नहीं है गाइस, आपको जो गेस्चर को यूज़ करके बैक करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत सारे फ़ोनों में आपने देखा होगा गाइस कि नीचे यहाँ पर जो बैक बटन होते हैं जिसको यूज़ करके आप लोग इजीली बैक वगैरह कर सकते हो। तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में बैक बटन को लगा सकते हो गाइस बिना किसी एप्लीकेशन वगैरह को डाउनलोड किए, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाइस आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैक बटन को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइस डिस्प्ले का। तो इस डिस्प्ले के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस नेविगेशन बार का। तो इस नेविगेशन बार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके दो ऑप्शन मिलेंगे बटन्स और स्वाइप गेस्चर्स का। तो अगर आपको बैक बटन को लगाना है तो आपको इस बटन्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपके फ़ोन में बैक बटन आ जाएगा, देख सकते 3 बटन आ चुके हैं। और अगर आपको बैक बटन को उल्टा कर देना है, मतलब ये वाला बैक बटन है इसको आपको इस तरफ लाना है, तो नीचे देख सकते हैं बटन ऑर्डर का ऑप्शन होगा और यहाँ पर दो बटन है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला बटन इधर आ जाएगा। तो जहाँ पर आपको बैक बटन चाहिए, इस तरफ हो, राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो, आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से बैक बटन को जो है सेट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन में आप लोग बैक बटन को लगा सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।